हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का फिर से स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, और उसमें अगर मैं बात करूँ टॉपिक की तो आपको भी पता है अधिशोषण, यानी कि मेनली अगर चैप्टर की बात करूँ तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसमें टॉपिक चल रहा था हमारा एडजॉर्प्शन, मतलब अधिशोषण। तो अधिशोषण के अंदर कुछ पॉइंट्स हम पढ़ चुके थे, वो क्या होता है उसका मतलब एक बेसिक पार्ट जो था वो हमने पढ़ लिया था। अब उसी के अंदर एक छोटा सा और टॉपिक आता है कि ये मतलब कोई भी चीज़ जो होती है उसके ऊपर किसी ना किसी का इफेक्ट तो पड़ता है, तो इसी तरीके से इसके ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जिनका इफेक्ट इस पर पड़ता है उसके बारे में हमने पढ़ना है। क्योंकि अगर बेसिकली बात करें तो इसके अंदर दो पॉइंट हम इम्पोर्टेंट लेते हैं, कौन सा, एक तो अधिशोष्य और एक अधिशोषक, यही तो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एक का होता है, दूसरे के सरफेस पे होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना वो किस किस चीज़ से क्या प्रभावित तो हो सकती है उसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ दो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम टॉपिक। सबसे पहले तो चैप्टर कौन सा था हमारा, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके अंदर अगर टॉपिक की मैं बात करूं तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आएगा अधिशोषण में ही, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है कि वो कौन कौन से हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं, वो जो इफेक्ट डाल रहे हैं उसके पीछे क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो इसके अंदर कौन सा पॉइंट आएगा, पहली बात तो वो ही है। तो उस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो पहले हम लेते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इंक्लूड किए जाते का क्या मतलब है, पहला हम जो है वो लेते हैं अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति। पहला पॉइंट अपना ये आता है। तो इसके अंदर मेनली हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बाप भी समझ गए होंगे, जिस टाइम आपको जो इसका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ाया था तब बताया था कि अधिशोषक क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है, वो प्रोसेस है जो इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है। तो अब जैसे मैं बात करूँ उसकी नेचर को लेके कि मतलब थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस भी कर चुकी होंगी आपसे, तो मैं इसमें आपको एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवाना चाहती हूँ, फिर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। आपको क्या बताया था, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो इजीली लिक्विफाइड हो जाती, यानी कि उनका इजीली लिक्विफिकेशन द्रव्यकरण हो जाता है। तो इसी तरह से जो इजीली जिनका लिक्विफिकेशन हो जाता है उसकी बात हम करें, और जो मेनली जिसको हम जैसे आप हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जिसको हम बोलते हैं मूलभूत गैसें, जो कि उनके कंपैरिजन में ये जो पार्ट हमने बोला कि जैसे इजीली लिक्विफिकेशन में कौन सा आता है, जैसे CO2 NH3 और
जो मेनली गैसों की बात अगर मैं करूँ तो जिसके बारे में जनरली आप पढ़ते जा रहे हैं उसको इंक्लूड करते हैं, जैसे H2O2N2। ये कैसे हैं इजीली से, मतलब अधिशोषण की बात करें तो वो इसको इफेक्ट करती है। कैसे, देखो इसके अंदर ये CONH3, कुछ और एग्जांपल लिख लीजिए अगर आपसे फिर भी पूछ ले तो, है ना, ये दो तीन एग्जांपल इसमें। तो क्या होता है कि इनमें भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो देखो, एक तो कोई चीज़ कई भागों में बटी हुई हो, एक के अंदर थोड़ा बहुत डिवाइडेशन की बात, यानी कि जिसको हम सूक्ष्म विभाजित बोल देते हैं। ठोस की बात करते हैं, इसके अंदर चारकोल में, इसमें क्या होता है कि जो ये अधिशोषण की जो प्रोसेस है ना, ये इसके लिए हम क्या बताते हैं, ठोस चारकोल के अंदर अगर बात बताई आपको तो क्या बोला कि ये है इसके अंदर अधिशोषण में, लेकिन इसमें जो अधिशोषण होता है उस अधिशोषण की क्या विशेषता होती है कि वो कैसे होता है, बहुत तेजी से होता है, और कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, स्पीडली और ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब देखो मैंने बोला आपको इस चीज़ के बारे में, जैसे जो सेकंड पॉइंट अगर मैं लूँ तो वो सेकंड पॉइंट हम क्या रखेंगे कि जो ठोस होते हैं, अच्छा अधिशोषक के बारे में बताया है ना, अधिशोषण के बारे में, अधिशोष्य के बारे में, इनका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका कौन सा पृष्ठ, मतलब जो सरफेस एरिया जो है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। किसकी बात, वैसे जो अधिशोषक होता है ना, ठोस अधिशोषक, उसकी बात हम कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, इसमें हम एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं वो भी हमने डिस्कस करना ज़रूरी है। देखिए जो शोषक होता है वो उसके अंदर शोषण की जो प्रोसेस है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो शोषण एक तरीके से मतलब एक्चुअल में ये जो क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है वो किस लिए कर रहा है आपको पता है, ताकि ये जो अधिशोषण की प्रोसेस है इसके लिए एरिया अगर बड़ा हो, जो अधिशोषण है उसके अधिशोषण की क्षमता एक्चुअल में क्या मतलब उसको, मतलब इंक्रीज करना उसको, बढ़ाना उसको। और ये जो शोषक होते हैं ये मतलब एक्चुअल में ये चीज़ क्या है, ये इसकी एक्टिविटीज रिलेटेड, मतलब इसको सक्रियता के कंपैरिजन में हम ले सकते हैं कि इसको शोषक का क्या कहते हैं, सक्रियण कहते हैं। क्योंकि किसमें क्या हो रहा है, जो अधिशोषक है उसके अंदर क्या आप उसे बताएं कि अधिशोषण की क्षमता को बढ़ाना, क्या करना, अधिशोषण की क्षमता को बढ़ाना, प्रोसेस तो उससे रिलेटेड है। दूसरी चीज़ क्या आती है कि मतलब ये जो प्रोसेस है इसके मेथड्स भी हो सकते हैं। देखो जैसे जो शोषक होता है उसका जो सरफेस होता है, यानी कि उसका जो पृष्ठ होता है, उसका जो शोषक के कणों के आकार से क्या होगा, जितना छोटा होगा उसके जो पृष्ठ का जैसे जो क्षेत्रफल होगा, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होगा, ज़्यादा होगा, है ना। और जैसे इसी तरीके से हमने ये तो बोला, दूसरे प्रोसेस अगर हम ये बोल दें कि पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ज़्यादा होगा, जैसे जो ऑयल, वो भी जैसे वनस्पति तेल जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। क्या पहले तो इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि शोषक के पृष्ठ का जो बात कर रहे हैं हम, कि उसके पृष्ठ का क्या बढ़ा करके, एरिया बढ़ा करके,
उसके पृष्ठ का पे रबड़ा करके उसका क्षेत्रफल क्या करोगे, उस पर डिपेंड करता है भाई। रबड़ा का क्षेत्रफल को कम कर सकते हो, जितना ज्यादा शोषक की मात्रा होगी उतनी ये ज्यादा क्या होगा, अधिशोषण। यानी कि जितनी ज्यादा क्या बताया आपको, जो शोषक जो प्रोसेस हो रही है वो उसकी क्या होगी मात्रा, जब ज्यादातर होता जाएगा जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा क्या होते जाएंगे भाई, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उतनी ही ज्यादा क्या जो जो कण जो पार्टिकल्स होते हैं अधिशोषक के, उसका आकार क्या होता जाएगा, उतना ही छोटा होता जाएगा। यानी कि उसका जो सरफेस है, उसका जो पृष्ठ है, उसके कंपैरिजन से हम करेंगे इसका कि उसके पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो अच्छा अधिशोषण उस पर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इस प्रोसेस का कंपैरिजन हम क्या कर सकते हैं, वनस्पति तेल से कर सकते हैं। क्या ये प्रोसेस का एग्जाम्पल हम इसके अंदर ले रहे हैं कि इसमें निकल के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनकी बात हम करें, कि जो निकल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनका कंपैरिजन हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम क्या बता रहे हैं कि वो जो निकल के टुकड़े हैं उनके अपेक्षाकृत अगर हम बात करें, जैसे जो चूर्ण जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि शोषण की जो प्रोसेस होगी उसमें उसकी जो मात्रा है वो शोषक के जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसके कैसे बताई, समानुपाती। इसलिए जो निकेल के बात हम कर रहे हैं उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए बारीक चूर्ण में चेंज कर लिया जाता है। क्यों? ताकि ये जो अधिशोषण अधिशोषण बोल रहे हैं ये क्या हो, ज्यादा। पहले ये बताइए, इतना मैंने समझाया समझ में आ गया ना आपको? आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा और जितना जल्दी आप वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारी एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए पहले आपको सभी वीडियोस को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब किसी वीडियोस को लाइक और शेयर, और हमारे साथ में सभी सब्जेक्ट को फॉलो करते रहिए। तो अब आपको पता चला कि ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कि एक तो उसका एरिया बढ़ जाए, एक थोड़ा सा रहे, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसीलिए इसका लिया है कि ये जो इसका हाइड्रोजनिक क्रॉन हो रहा है इसके अंदर क्या कहते हैं कि निकल के बड़े टुकड़ों के कंपैरिजन में उसका जो बारीक चूर्ण होता है इसमें क्या बेटर बताया, बारीक चूर्ण। अब आप इसको इस चूर्ण में बदल लो, कैसे याद रखोगे? देखो जैसे नमक होता है, अगर आपने देखा हो कभी तो जैसे नमक एक्चुअल में साबुत नमक जो होता है ना वो अलग टाइप का दिखता है, और ये हम जो यूज करते हैं टाटा इसमें चूर्ण है वो। तो हम यहाँ पे क्या एग्जांपल बता रहे हैं एग्जांपल में कि जो निकेल होता है उसके बड़े टुकड़ों की बजाय जो छोटा टुकड़ा होता है वो क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? छोटे टुकड़े के बजाय क्या, चूर्ण। इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या आती है, ये जो बारीक चूर्ण है वो क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें इसके अंदर कि ये तो हमने बोल दिया है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस का इसके अंदर हम डिस्कस करें तो वो कैसे याद रखोगे, कि शोषण की जो मात्रा है वो शोषक के पृष्ठ जो क्षेत्रफल है उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। लेकिन निकिल जो होता है ना इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हमने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया बारीक चूर्ण के रूप में। क्यों किया? अधिशोषण की जो प्रोसेस है उसके लिए किया, क्योंकि अधिशोषण क्या हो सके, उससे ज़्यादा हो सके। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो प्रोसेस थी इसको फॉलो किया। क्यों? क्योंकि निकल के जो टुकड़े थे उनके कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या इफेक्टिव दिख रहा है ज़्यादा, कि बड़े टुकड़ों की बजाय जो छोटे बारीक टुकड़े हैं, बारीक चूर्ण है, उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसमें एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तीसरी चीज़ आती है ताप, यानी कि ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है।
अभिशाप के प्रभाव का क्या मतलब है? यहाँ पे जब और कुछ नहीं पता तो इतना तो हमें पता है ना कि यहाँ पे ताप के प्रभाव का मतलब है, तो कुछ ना कुछ रोल तो ताप का भी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्रेशर क्या हो, कॉन्स्टेंट हो यानी कि नियत स्थिर, दाब पर क्या होता है अधिशोषण की मात्रा और ताप के बीच में इसका जो रिलेशन है वो हम इसमें रखते हैं। इसको बोले जैसे हमने बोला उसको शोषण समदाब भी कहते हैं। उस चीज का ध्यान रखोगे। क्या वर्ड यूज लिया इसमें हमने, आप स्टार लगा के ले सकते हैं यूज। इस चीज के बारे में हमने क्या बताया एक्चुअल में, कि क्या आप बता रहे हैं कि स्थिर किस पे, प्रेशर पे, कॉन्स्टेंट प्रेशर है उस पर अधिशोषण की मात्रा और ताप के बीच का जो रिलेशन होता है उसको क्या बोला, किस किस के बीच में बताया आपको, समदाबी नाम आ गया, जिसका मतलब दाब की भी बात है। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या आती है इसके अंदर कि हमने दाब स्थिर रखा है, क्योंकि जब हमने ये बोला समदाबी तो इसका मतलब दाब क्या है, समान है सब में, या फिर हम यहाँ साइंस के लैंग्वेज में बोले तो वो नियत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, स्थिर जो प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर जो होता है उस पर किसकी मात्रा बताई है, ठीक है, इस पर हमने क्या बताया कि ये जो मात्रा इसका हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसका भी रोल है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट रोल। वो रोल क्या है कि उसके बीच में जो ग्राफ है ये इम्पोर्टेंट है। अब इस पे क्या पता है आपको कि दोनों पे इफेक्ट की बात करें तो वो अलग अलग होते हैं, यानी कि ताप का प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे किसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर जैसे अधिशोषण अधिशोषण की प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस के कारण क्या हमने बोले गए तो क्षेत्रफल बढ़ा देगी। अब जो अधिशोषण की प्रोसेस होगी वो किस तरीके से होगी, क्या क्या होगी, क्या क्या कमियां हैं उसमें, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप पाँच क्वेश्चन आपने ये बताना है कि जो हल्दी होती है ना उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी, और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है, पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।